नहीं, क्योंकि मैं उसे देख के कंफ्यूज हो जाता था। आप कंफ्यूज हो जाते थे? उसमें बहुत हार्ड हार्ड प्रॉब्लम्स होती थी। तो आपको मैथ्स क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि उसमें बहुत सारे नंबर्स होते थे, एक एक क्वेश्चन के बहुत सारे फार्मूलाज होते थे, तो मेरे को समझ नहीं आता था कि कौन सा फार्मूला हमें यूज करना है और कौन सा नहीं करना है। जब मेरा रिजल्ट था तो भैया ने बताया था कि इस बार मेरी मैथ्स इम्प्रूव हुई है, जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स एंड मेजरमेंट। जब जिस क्वेश्चन में बहुत सारे नंबर्स होते थे, उस क्वेश्चन में मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता था क्योंकि उसमें बहुत सारे नंबर्स होते थे। जब भैया उसमें पिक्टोरिकल फॉर्म में समझाते, पिक्चर वाले फॉर्म में, जब मेरे को समझ आता है तब आपको समझ आ जाता है। भैया ने हमसे चार्ट से एक इतना बड़ा स्केल बनवाया था, येलो कलर का चार्ट से। उस पर भैया ने लिखा था कि आप इस चार्ट पेपर की टिप से आप अपनी डेस्क की लेंथ को नापो कि आपकी डेस्क की लेंथ कितनी है, और फिर हमें लिखना था इतने स्केल्स। और भैया फिर हमें टेरेस पे लेके गए थे, वहाँ पे हमें वो स्ट्रिप लेके हमें वॉल की लेंथ नापनी थी। अब आपको कैसा लगता है? अब मेरे को मैथ्स अच्छा लगता है।